अजमेर भी अवैध खनन से अछूता नहीं रहा। आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध खनन मामले में कार्रवाई करते हुए शुक्रवार देर शाम पालरा निवासी कैलाश सिंह को सफेद पत्थरों से भरे ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार कर लिया, जिसे शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। आदर्श नगर थाने के एएसआई जगदीश सिंह ने बताया कि गीली गाल से अवैध खनन कर कैलाश सिंह सफेद पत्थर भरकर NH8 पर जा रहा था। जब उससे पूछा तो ना तो उसके पास बिल्टी थी और ना ही कोई कागज, जिस पर उसके विरुद्ध धारा 389 में मामला दर्ज कर लिया गया। कैलाश सिंह सनम चौक सिंह पालरा के साथ जो सायंकालीन ट्रैक्टर में सफेद पत्थर इधर गिलीगाल माकोपुरा से भर गया, जिसके पास कोई रवाना बिल्टी नहीं थी, जो सरकारी रॉयल टिकट चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके ट्रैक्टर को धारा 379 में जब्त किया, चालक को भी गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर रहे हैं। तो ये गाँव वाले हैं, छोटे छोटे खड्डे खोद कर उनमें से पत्थर निकाल लेते हैं और उनको फोड़ कर और फिर ला के मार्केट में बेच देते हैं। हाँ, तो ये ट्रैक्टर लेके NH8 पे आया था शाम को, दौरान गश्त के दौरान पकड़ा।